ओके स्टूडेंट, सो योर ड्राइंग टॉपिक इज गार्डन सीन। तो आज हम ड्रॉ करेंगे गार्डन सीन। कैसे ड्रॉ करना है गार्डन सीन आई विल टेल यू। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे फ्लावर्स। तो फ्लावर्स ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है लाइक दिस। देन उसके बाद उसके पेटल्स, ठीक है। अब आपने जब ये पेटल्स ड्रॉ कर लिए, उसके बाद आपको एक और छोटे से इसमें ऐसे ट्राइंगल की शेप से पेटल्स ऐड कर देने हैं। तो आपका ये फर्स्ट फ्लावर बन गया। देन इसकी आपने लीव्स ड्रॉ करनी है, हाफ सेमी सर्कल ऊपर देन हाफ नीचे लाइक दिस। इसके बाद आपने एक और ऐसे फ्लावर्स ड्रॉ किए ट्राइंगल शेप्स में, लाइक दिस, ठीक है। और सेम आपने इसमें भी आपने ऐसे टू ड्रॉ किए। देन उसके बाद वन मोर, ठीक है। और इसके भी पेटल्स बने हैं, आपने यहाँ पे पेटल्स बनाए, मतलब लीव्स बनाई आपने। फिर वन मोर, ठीक है। और ऐसे आपने एक और यहाँ पे बनाया, ठीक है। ओके, तो आपका ये बन गया। उसके बाद अब आपको ड्रॉ करना है ओके। तो अब आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे एक ट्री लाइक दिस। ट्री की ब्रांचेस बनाने के लिए आप वन देन टू देन थ्री देन फोर और ये यहाँ तक आएगी। अब यहाँ भी आपको ऐसे पेटल्स ड्रॉ करने हैं फ्लावर्स में। और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी वन टू थ्री फोर, यहाँ पे भी और आपको ऐसे शेप में ड्रॉ करना है, ठीक है। ऐसे आपको एक एक बेसिक लाइन ड्रॉ करनी है जो सिर्फ आपको दिखाई दे, देन आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, देन इसके बाद ये फिर zigzag, फिर देन सेम आपको ऐसे बहुत सारी पेटल्स ड्रॉ करने हैं। और जो अंदर का है तो आपको यहां भी पेटल्स ड्रॉ करने हैं ओके। तो आपके ये पेटल्स हो गए ड्रॉ।
अब हम आते हैं यहाँ पे, हमें छोटी सी बटरफ्लाई ड्रॉ करनी है। बटरफ्लाई ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, देन ओवल एंड देन विंग्स लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक छोटा सा ओवल ड्रॉ करना है और देन एक बड़ा ओवल, और अब इसे फाइनल करना है। तो पहले आपने ये हेड बनाया, टू पीक्स बनाई, और उसके बाद आपने नीचे से कर्व दे दिया लाइक दिस, और यहाँ पे ये आपकी बन गई ये वाली, और एक हम यहाँ पे बनाएंगे। नीचे से आपको थोड़ा यू शेप देना है लाइक दिस, फिर यहां से आपने विंग्स निकाले, 1 2 3 लाइक दिस, 1 2 3 लाइक दिस, और यहीं से आपको इसको थोड़ा सा ऊपर की ऊपर ले जाना, 1 2 3, और यहाँ पे थोड़ी सी ये छोटी सी आइस ड्रॉ कर दी। तो जो आपका सीन है गार्डन का वो ड्रॉ हो चुका है, अब हम इसमें करेंगे ब्लैक स्केच आउटलाइन। यू हैव टू टेक अ ब्लैक स्केच आउटलाइन और ब्लैक स्केच एंड यू हैव टू ड्रॉ अ आउटलाइन लाइक दिस। ये आप आउटलाइन करेंगे ब्लैक स्केच पेन से। ओके, देन उसके बाद आप कलरिंग करेंगे। तो हमने ये आउटलाइन की फटाफट से, बहुत नीट एंड क्लीन।
ओके तो आपकी आउटलाइन हो गई है। अब हम इसे थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं। और आपको क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा लाइंस इरेज करनी है पेंसिल की आफ्टर स्केच आफ्टर आउटलाइंस बहुत लाइट लाइट। यू हैव टू इरेज ऑल एक्स्ट्रा लाइंस स्पेशली इन ट्रीज। तो जब आप इसे फिनिश करेंगे तो आपका थोड़ा सा ओके। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट कलरिंग। हेयर आई एम यूजिंग अ ऑयल पेस्टल कलर। यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ कलर विच यू हैव। ओके हेयर आई एम यूजिंग अ ऑयल पेस्टल कलर। तो हम सबसे स्टार्ट करेंगे ट्री से। तो ट्री के इस वाले अंदर वाले पार्ट में आपको करना है डार्क ग्रीन। यू हैव टू पिक अ डार्क ग्रीन लाइक दिस। आपको जो ग्रीन जो लीव्स हैं उनमें नहीं करना है। आपको बस अंदर के पार्ट में फिल करना है पहले। Like this. ओके अब इसके बाद आपको करना है, अब आप इसमें जो ये लीव्स हैं इसमें हम थोड़े से अलग कलर्स कर सकते हैं। तो आप लाइट ग्रीन यूज कर सकते हो। ओके तो आपने यहाँ पे लाइट ग्रीन यूज किया। यू कैन फिल लाइक दिस। ओके लाइक दिस। ओके आपका ट्री हो गया कंप्लीट। नीचे आपको करना है थोड़ा लाइट ब्राउन लाइक दिस। यू हैव टू फिल अ ब्राउन कलर। थोड़ा सा शेड देने के लिए आप इसमें हम यूज कर सकते हैं ऑरेंज थोड़ी सी शेडिंग के लिए। ओके बाकी आपको इसे नीचे तक ब्राउन करना है।
ओके ठीक है, तो ये आपका ट्री हो गया। अब हम इसमें करेंगे, अब हम फ्लावर्स में करेंगे। तो फर्स्ट फ्लावर आपको करना है येलो, यहाँ पर फिल येलो लाइक दिस। Like this. Okay. तो और ये वाला फ्लावर भी आपको करना है येलो। ओके और ये जो जो रह गए हैं फ्लावर्स वो आपको करने हैं रेड लाइक दिस। ओके सॉरी, ये वाला भी आपका रेड होना था, तो आप इसको थोड़ा सा रेड कर सकते हो। और जो ये वाले हैं इसके बीच में हम करेंगे ब्राउन, ब्राउन इनके सेंटर्स में होगा। आप थोड़ी सी शेड दे सकते हो। मैंने यहाँ पे जो शेड्स दिए बेटा वो ऑरेंज से दिए, तो आप ऑरेंज से दे सकते हो। लाइक दिस। ओके तो अब हम करेंगे लीफ। तो जो नीचे वाले हैं वो आप ग्रीन कलर से कर सकते हो। हाफ आप और लाइट ग्रीन कर सकते हो और हाफ हम डार्क ग्रीन कर सकते हैं। तो नीचे अब लाइक दिस, तो ये थोड़ा शेड हो जाएगा। ओके और आपका ये जो है ये आपके ब्राउनों में ओके। तो हम बटरफ्लाई कर रहे हैं रेड, हम पिंक करेंगे बटरफ्लाई। और मैं बीच में मैं येलो कर रही हूँ। ओके तो अब हम करेंगे बर्ड, हम करेंगे थोड़ी डार्क ब्लू विद शेडिंग लाइक दिस। तो थोड़ा सा इसमें हम पर्पल मिक्स कर देंगे। ओके तो मैं इसमें थोड़ा सा पर्पल मिक्स कर दिया। और थोड़ा सा लाइट ब्लू सो डेट की मिक्सिंग हो सके।
ओके। और ये जो है ये थोड़ा सा पर्पल ही होगा। ओके। और ये हम करेंगे पिंक। हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा वाइट से मिक्स कर देंगे। जब आप इस पे करोगे तो ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ओके। और ये वाला पार्ट भी थोड़ा, ये पिंक और ये भी। और ये वाला पार्ट आपका लाइट ब्लू। तो ये जो आपका है, ये आपका जो गार्डन सीन है वो हो गया कंप्लीट। अब आपको बहुत लाइट लाइट, बहुत लाइट लाइट ट्रीज के पास थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इफेक्ट देना है स्काई का, बस ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा आपको इफेक्ट देना है स्काई का। लाइक दिस। ओके। और अगर आप चाहो थोड़ा सा आप नीचे की साइड ग्रीनरी का इफेक्ट दे सकते हो। ओके। तो आपका जो गार्डन सीन है वो हो गया कंप्लीट।